हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट एनालिसिस ऑफ आरसीसी वर्क, यानी कि जब भी आप कोई आरसीसी वर्क करते हैं उसका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना, पहले तो हमें मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, देन देयर आफ्टर लेबर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। और आरसीसी वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, बट होता क्या है उसमें, शटरिंग का जो हमें मटेरियल लगता है उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसकी कैसे क्वांटिटी फाइंड आउट करती है फॉर सेंटरिंग एंड शटरिंग पर्पजेस के लिए, ये कंप्लीट मैं वीडियो बताऊंगा। उसके लिए आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ रेट फॉर 150 mm थिक आरसीसी स्लैब इन 1:1.5:3, यानी कि हमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है वो क्या है, M20 है, जिसका रेशो क्या है, 1:1.5:3 रेशो है। और जो साइज है स्लैब का वो कितना है, 10 m x 10 m, यानी कि जो हमारी स्लैब की लेंथ और विड्थ है वो क्या है, 10 m वैसे है और 10 m ऐसे है। एंड जो हाइट है स्लैब की यानी कि थिकनेस है वो कितनी है, 150 mm। अब हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, उसमें पूछा क्या है, वर्कआउट क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल, यानी कि हमें ड्राई मटेरियल जो जो लगेगा इस आरसीसी स्लैब में उसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ऑब्वियसली जब आप क्वांटिटीज फाइंड आउट कर लेंगे देन रेट से इंटू करके उसकी अमाउंट आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर फॉर आरसीसी वर्क। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी नई अपकमिंग वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं देखता हूँ मोस्टली हम मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना चैनल को एब्सोल्युटली फ्री है। तो शुरू करते हैं, पहले मटेरियल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वर्कआउट क्वांटिटी ऑफ डराइव मटेरियल, तो हम जब भी हम आरसीसी वर्क कर रहे हैं, यानी कि जब हम आरसीसी वर्क करते हैं, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें ये टेबुलर फॉर्म में अपना टेबल बना लेना है, जिसमें पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम होगा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, थर्ड होगा यूनिट, देन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब जब भी हम कोई आरसीसी स्लैब बना रहे हैं तो उसमें हमारा मटेरियल क्या क्या लगेगा वो सबसे पहले हम मटेरियल नोट डाउन कर लेंगे। सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा। अब आरसीसी कर रहे हैं डेफिनेटली वहां पे हमारा स्टील भी लगेगा। अब स्टील को बाइंड करने के लिए हमारी बाइंडिंग वायर भी लगेगी। अब आरसीसी वर्क कर रहे हैं, स्लैब को कास्ट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे शटरिंग भी लगेगी। दो जो हमारी शटरिंग है वो परमानेंट मटेरियल नहीं है, वो आफ्टर सम टाइम हम रिमूव कर लेते हैं, बट एज ए मटेरियल हमें इसकी भी कॉस्ट इंक्लूड करनी है। होता क्या है, आपने यूट्यूब पे मोस्टली वीडियोस देखी होंगी उसमें शटरिंग को इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि हमें शटरिंग क्या होता है मार्केट से मंगवानी पड़ती है, तो उसका भी हमें इसमें मटेरियल में चार्जेस इंक्लूड करने हैं। तो होता क्या, उन्होंने डायरेक्टली जो शटरिंग का होता है लमसम यहाँ पे इंक्लूड किया होता है, वैसा नहीं होता। मैं आपको शटरिंग का ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, कि शटरिंग की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, और उसके लिए जो लेबर लगेगी उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करके देन उसका अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना। तो अब हमें एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि हमें मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, तो अब हमें मटेरियल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम शुरू कर लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें मेंशन था हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है, M20 है। तो
M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20, जिसका रेशियो क्या होता है 1:1.5:3। ये जो 1 है ये क्या है, सीमेंट का रेशियो है, 1.5 सैंड का, देन 3 किसका है, एग्रीगेट का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जिसके लिए हमें मटेरियल कैलकुलेशन करनी है, तो मटेरियल कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले हमें जो स्लैब दे रखी है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, देन आफ्टर दैट हम एक एक मटेरियल कैलकुलेट करेंगे, सीमेंट सैंड एग्रीगेट स्टील सब कैलकुलेट करेंगे। बट हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ किस क्या निकालना है, स्लैब। अब वॉल्यूम ऑफ स्लैब देखिए, हमारा जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ स्लैब की दे रखी है 10 मीटर, विड्थ दे रखी है 10 मीटर, 10 × 10, और थिकनेस कितनी है, 150 mm। मतलब कि जब वॉल्यूम निकालते हैं हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ हमें 10 10 मीटर दे रखी है, और जो थिकनेस है दैट इज हाइट 150 mm दे रखी है। तो 150 mm को हम जब मीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है टू कन्वर्ट mm इंटू मीटर्स। तो वो हमारा बन जाएगा 0.150 मीटर। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 0.150 मीटर, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ठीक है, वही हमने यहां पे कर लिया, वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 10 मीटर, जो 10 × 10 दिया था, लेंथ विड्थ कर लिया, इंटू हाइट, हाइट 150 mm थी, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितना आ गया, 15 m³। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्लैब आया, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम आया। अब हम जब सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं, वो हम ड्राई स्टेट में निकालनी होती है उसकी वॉल्यूम। अब जब हमें कंक्रीट का वेट वॉल्यूम आ गया, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट का। अब ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को, वो फैक्टर होता है 1.54। ये आप 1.5 से 1.55 की रेंज में कुछ भी ले सकते हैं, मैं 1.54 ले रहा हूं। अब यहां पे मैंने मेंशन भी कर लिया, वो 54% जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि 15 को में जो हम ड्राई वॉल्यूम के लिए 54 एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो किस पर्पज से, एक्स्ट्रा फॉर वॉइड्स टू गेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। होता क्या है, जैसे हम ड्राई वॉल्यूम होता है उसमें काफी सारे वॉइड्स होते हैं, जब हम पानी ऐड करते हैं तो हमारे वॉइड्स कम हो जाते हैं, या जब हम कंक्रीट ले करते हैं तो उसमें कॉम्पैक्शन होती है, उसके वॉइड्स कम होते जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है वो, उसके लिए हम वन फैक्टर लेते हैं 1.54 ऑफ द वेट वॉल्यूम। तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया 23.1 क्यूबिक मीटर। अब उसके बाद हम कर लेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या हो गया, ये जो हमें M20 ग्रेड का रेशियो पता है 1:1.5:3, इन तीनों को सम कर लेंगे, 1 + 1.5 + 3, तो आ गया इक्वल टू 5.5। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमें कंक्रीट में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, वो होता है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। सबसे पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जब हमें सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, रेशियो ऑफ द सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, रेशियो ऑफ सीमेंट। अब रेशियो ऑफ सीमेंट यानी कि ये जो ग्रेड ऑफ सीमेंट था, इसमें हमें देखना, हमें सीमेंट का क्या पार्ट है, यानी कि सीमेंट का इसमें क्या रेशियो है, वो क्या है, 1 ये होता है हमारा सीमेंट, ये होता है हमारा सैंड, और ये होता है हमारा एग्रीगेट। अब सीमेंट का रेशियो इसमें क्या था, 1। ठीक है, इस रेशियो में 1 पुट कर लेंगे, रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो हमने कैलकुलेट किया है 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, वो क्या आया था, 23.1, तो वो कैलकुलेशन होके आ गया 4.2 क्यूबिक मीटर।
अब सीमेंट की क्वांटिटी हमारे पास आ गई है 4.2 क्यूबिक मीटर में। अब जो हमारा सीमेंट होता है वो पर बैग के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए होता है साइट पे। अब क्यूबिक मीटर को हम पहले क्या कर लेंगे, केजी में कर लेंगे, फिर हम बैग में उसको क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब केजी में करने के लिए हमें क्या होगा, जो भी हमारी क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आई है उसको हम 1440 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ गया 6048 kg। अब ये 1440 से हमने मल्टीप्लाई क्यों करा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है वो कितना होता है, 1440 kg/m³। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास केजी में आंसर आ गया। अब सीमेंट हम निकालेंगे बैग्स के हिसाब से। अब जो हमारे पास केजी में आया उसको हम डिवाइड कर लेंगे 50 से, हमारे पास आ गया नंबर ऑफ बैग्स, वो आ गया 120.96 बैग्स। क्यों हमने 50 से क्यों डिवाइड किया केजी को, बिकॉज 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 kg। अब हमारे पास सीमेंट निकल चुका है, वो कितना आ गया है 120.96 बैग्स फॉर दिस वॉल्यूम ऑफ स्लैब्स के लिए हमें इतना बैग ऑफ सीमेंट चाहिए। अब हमें सैंड की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सैंड की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब सेम फॉर्मूला यही लगेगा, बट रेशियो ऑफ सीमेंट की जगह हमें अब सैंड की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, रेशियो ऑफ सीमेंट की जगह रेशियो ऑफ हम सैंड ही लेंगे। अब इसमें सैंड का क्या रेशियो है, 1.5, तो 1.5 रख लेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो 5.5 ही था, इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, वो कितना था 23.1 क्यूबिक मीटर, तो वो कैलकुलेशन कैलकुलेट होके आ गया 6.3 क्यूबिक मीटर। अब एग्रीगेट क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, वो कितना आ जाएगा, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें रेशियो एग्रीगेट का क्या है, 3 आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, तो वो आ गया हमारे पास 12.6 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास तीनों कंक्रीट के जो मटेरियल्स थे, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, कैलकुलेट होके आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है आरसीसी जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें स्टील की क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्वांटिटी ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक चीज नोट करने वाली है, जब भी आप देखिएगा, जब हम स्लैब और बीम करते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ स्टील लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1% ऑफ द वॉल्यूम जो भी आता है स्लैब वो ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे 1% ऑफ द स्लैब ले, बट कॉलम के केस में हम क्या कर लेते हैं, वो 1.5% ले लेते हैं, तो हम क्या लेंगे, 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, जो भी हमारा क्वांटिटी स्टील की निकलेगी वो डायरेक्ट एक थम रूल से हम निकाल लेंगे, 1% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द स्लैब। अब इसमें हमने ये जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाला है वो नहीं लेना है, हमें जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्लैब है वही लेना है जब हम स्टील की कैलकुलेशन करेंगे। ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो ले रहे थे वो हम जो कंक्रीट में मटेरियल यूज करते हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो स्टील में हमने एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्लैब ही यूज करना है। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए आपको कि कौन सी आपको वॉल्यूम लेना है, तो इसमें क्लियर है कि आपको वॉल्यूम ऑफ स्लैब एक्चुअल वाला लेना है, ठीक है, जो आया था। तो 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्लैब हम स्टील क्वांटिटी ले लेते हैं, 1% क्या हो गया, 1/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितना था, 15, तो आ गया 0.15 m³। अब स्टील की जो हम क्वांटिटी है वो केजी में फाइंड आउट करेंगे या टन्स में या क्विंटल में, हम यहां पे केजी में फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7850 इंटू जो क्वांटिटी थी। अब 7850 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 7850 kg/m³। मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास स्टील किस में आ जाएगा, केजी में, 1177.5 kg। अब
स्टील को बाइंड कर लेंगे, हमें बाइंडिंग वायर भी रिक्वायर्ड होगी। तो बाइंडिंग वायर कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर इज इक्वल टू 1% ऑफ द स्टील। जो ये स्टील निकलता है इसका क्या हम लेते हैं? 1% बाइंडिंग वायर। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई 100 kg ऑफ स्टील यूज करते हैं तो उसके लिए हमें बाइंडिंग वायर कितनी रिक्वायर्ड होती है? 100 kg ऑफ स्टील के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है 0.9 to 1.3 kg ऑफ बाइंडिंग वायर। ठीक है, बाइंडिंग वायर तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1%। तो हम 1% ऑफ द स्टील ले लेते हैं। अब हमारे स्टील कितना था, क्वांटिटी फाइंड आउट हुई है 1% ऑफ द दिस क्वांटिटी, वो कितना आ गया 11.77 kgs। अब सेम जो हमारी क्वांटिटीज कैलकुलेट हुई हैं वो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो सीमेंट की हमारे पास कितनी क्वांटिटी निकली थी? सीमेंट की क्वांटिटी निकली थी 120.96 bags। तो ये आ गया ये, ठीक है, ये सॉरी ये 96 है, 96 bags आ गया। सैंड की क्वांटिटी कितनी आ गई? 6.3 आ गया, ये भी आ गया। एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी थी? 12.6, वो भी मेंशन कर ली। अब स्टील की क्वांटिटी कितनी थी? वो आ गई 1177.5 kg, 1177.5 kg में आ गया। ठीक है, यूनिट्स मैंने इसके पहले कॉलम में मेंशन कर दिए हुए हैं जो भी हमारे यूनिट्स हैं। देन क्वांटिटी ऑफ वाइंडिंग वायर कितनी आई थी? 11.77 kg, 11.77 kg। अब शटरिंग, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, शटरिंग कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? अब शटरिंग, अब बेसिकली आप शटरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमें शटरिंग किस स्लैब के एरिया के लिए चाहिए। स्लैब का एरिया है 10 by 10। अब शटरिंग जो होती है हमारी स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होती है। अब हमें जब शटरिंग स्लैब के बॉटम में लगानी है, यानी कि बॉटम में लगानी है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? बॉटम के लिए यानी कि ये एरिया हो जाएगा 10 into 10, तो बन गया 100 square meter। ठीक है, अब शटरिंग हमें साइड में भी लगाने पड़ेगी, क्योंकि जब हम स्लैब की नीचे तो लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्लैब है, इसके नीचे तो हम लगा लेते हैं, बट साइड में भी हमें शटरिंग जरूरत पड़ती है ऑन द एज ऑफ द स्लैब। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सबसे पहले हम पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर क्या हो गया? वो आ गया 4 into 10, यानी कि ये 10 10 10 10, ऑल द फोर साइड्स को हम प्लस कर लेंगे, ये आ गया 40 into, हमारी थिकनेस कितनी थी स्लैब की? वो 0.15, 40 into 0.15, तो वो बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 square meter। यानी कि बॉटम के लिए हमें रिक्वायर्ड थी 100 square meter, और साइड यानी कि ये जो हमारी थिकनेस के लिए हमें शटरिंग कितनी रिक्वायर्ड है वो है 6 square meter। तो टोटल बन गया 100, हमारा ये 100 plus 6, वो बन गया 106 square meter शटरिंग हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर दिस वॉल्यूम ऑफ स्लैब के लिए। तो वही हमने यहां पे 106 square meter हमने लिख लिया। तो हमें रेट्स इसमें गिवन होंगे, तो हम रेट्स लगा लेंगे जो भी होगा। जैसे इसका रेट 350 per bag है, 450 per क्यूबिक मीटर, 550 क्यूबिक मीटर, और ये सारे रेट लगा लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, क्वांटिटी और रेट्स को इंटू कर लेंगे। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप देखना जो आपके जो रेट्स के यूनिट होंगे और जो क्वांटिटी के यूनिट होंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर सैंड के हमें क्यूबिक
मीटर दिया है, तो ये भी पर क्यूबिक मीटर में होना चाहिए। अब जैसे ये अगर हमें क्यूबिक फीट में दे रखा होता तो हमें एग्रीगेट या सैंड की क्वांटिटी भी उसी यूनिट में लानी थी, ठीक है। तो आप ये हमेशा नोटिस करें कि इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं हो तो कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, क्वांटिटी और रेट को इंटू करके हम अमाउंट निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास आ गया मटेरियल का, जो हमारे पास कॉस्ट होगा यानी कि मटेरियल पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो तो हमारा निकल जाएगा। अब हमें फर्दर क्या करना है, लेबर की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, देन उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि लेबर पे हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। अब लेबर के लिए क्या होता है, हमारा एक शेड्यूल है उस पर हमें पता चल जाता है कि हमें किस वर्क के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी। उस शेड्यूल में हर एक जो भी वर्क है उस वर्क का मेंशन होता है कि हमें कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, एक्सकेवेशन पर्पस के लिए अलग कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, ब्रिक मशीनरी के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, पीसीसी वर्क के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, रेट एनालिसिस ऑफ आरसीसी वर्क कर रहे हैं, तो हम देखेंगे आरसीसी वर्क के लिए हमें कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी। अब इसमें तीन चीजें आ जाती हैं आरसीसी वर्क में, पहले तो है लेइंग रेनफोर्स कंक्रीट। जब आप कंक्रीट ले करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी लेबर चाहिए और कितनी क्वांटिटी के लिए आपको कितनी लेबर चाहिए वो सब उस शेड्यूल में मेंशन होता है, तो वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फॉर लेइंग रेनफोर्स कंक्रीट हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 बेलदार चाहिए होते हैं, 3 मजदूर एंड 1.5 बिस्ती चाहिए होता है एंड हाफ मेसन। ये जो इतनी लेबर है ये कितना काम कर सकते हैं, 2.83 क्यूबिक मीटर और 100 क्यूबिक फीट पर डे। 2.83 क्यूबिक मीटर को हम अगर सीएफटी में करें वो कितना 100 CFT बन जाता है, यानी कि 3 बेलदार 3 मजदूर 1.5 बिस्ती एंड हाफ मेसन कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 2.83 क्यूबिक मीटर रेनफोर्स कंक्रीट का काम कर सकते हैं। और सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर फ्लैट सर्फेसिस के लिए हमें कितना लेबर रिक्वायर्ड होती है, 4 बेलदार एंड 4 कारपेंटर्स कितना काम कर सकते हैं, 9.6 स्क्वायर मीटर और 96 स्क्वायर फीट पर डे, ठीक है। और रेनफोर्समेंट वर्क यानी कि जो हमारे पास रेनफोर्समेंट स्टील का वर्क है उसके लिए हमें कितना लेबर चाहिए, 1 ब्लैकस्मिथ और फिटर एंड 1 बेलदार कैन बेंड एंड प्लेस इन पोजीशन 1 क्विंटल ऑफ स्टील पर डे। यानी कि अगर हमें स्टील के लिए चाहिए 1 ब्लैकस्मिथ 1 बेलदार हमारा कितना काम कर सकता है, 1 क्विंटल ऑफ स्टील को कटिंग भी कर सकता है और प्लेस भी कर सकता है इन वन डे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक क्वांटिटी फाइंड आउट करके बता दूंगा लेबर की, बाकी सारी वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या है, अब जैसे हमें मैंने यहां पे मेंशन कर दिया फॉर लेइंग रेनफोर्स कंक्रीट हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो हमें यहां से शेड्यूल से पता चल जाएगा, कौन कौन सी लेबर हमें रिक्वायर्ड होगी, बेलदार मजदूर बिस्ती एंड मेसन वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिए, बेलदार मजदूर बिस्ती एंड मेसन, और इनके यूनिट क्या हैं, पर डे पर डे पर डे के हिसाब से यूनिट्स भी हैं। अब क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटिटी कैसे, जैसे कि 3 बेलदार हमारा इतना काम करते हैं पर डे में, तो हमारा काम कितना था, हमारे पास वॉल्यूम कितना था स्लैब का, वो ऑलरेडी बताया था वो कितना था, 15 मीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास अगर हमारे 3 बेलदार हैं, देखो सिंपल 3 बेलदार हमारा कितना काम करते हैं एक दिन में, 2.83 क्यूबिक मीटर, तो हमारे हमें कितने लेबर लगेंगे उसको हम एक्स मान लेते हैं टू डू 15 क्यूबिक मीटर ऑफ वर्क।
तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स निकल जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास ये 15.90। तो हमारे पास 15.90, सेम हमारे पास 3 मजदूर्स रिक्वायर्ड होंगे टू डू 2.83 ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वर्क। तो हमें कितने लेबर लगेंगे फॉर डूइंग 15 क्यूबिक मीटर ऑफ वर्क, तो सेम वो भी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। तो आपको सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है तो हमारी लेबर्स की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो आपको सेम ऐसे ही आएगा। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट क्या है, ये स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए, यानी ये गिवन दिया होगा आपको एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है आपकी लेबर्स की। तो मैं एक और आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बेलदार की अगर हमें कैलकुलेट करनी है, हमारा 4 बेलदार अगर रिक्वायर्ड हैं, 4 बेलदार रिक्वायर्ड फॉर 9.6 स्क्वेयर मीटर के लिए, ठीक है। अब हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ शटरिंग हमने पहले से निकाली है, इसके लिए हमें कंक्रीट की क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसके लिए हमें शटरिंग की क्वांटिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा 4 बेलदार कैन डू 9.6 स्क्वेयर मीटर ऑफ वर्क, तो हमें कितना लेबर लेंगे फॉर डूइंग 106 स्क्वेयर मीटर ऑफ दिस शटरिंग, ठीक है। वो हम एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 44.16। तो हम सेम ये रख लेंगे। अब हमें जब रेनफोर्स्ड वर्क ऑफ आरसीसी यानी कि ब्लैक स्मिथ निकालना है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें स्टील की अकॉर्डिंग नहीं निकालना है। तो हमें जैसे 1 ब्लैक स्मिथ और फिटर कैन बेंड एंड प्लेस इन 1 क्विंटल ऑफ स्टील, टोटल हमारे पास कितना क्विंटल ऑफ स्टील था, हमारे पास स्टील था 1177.5। तो इसको हम अगर क्विंटल में कर लें, 1177 को 1077.5 को हम अगर क्विंटल में करना होगा, हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास बन गया 1.11.775 क्विंटल। तो अगर हमें इस क्विंटल के लिए हमें बेलदार निकालने हैं, तो हमें कितना हो गया, 1 कैन डू 1 क्विंटल ऑफ स्टील पर डे, तो हमें एक्स लेबर रिक्वायर्ड होगी फॉर डूइंग 7.775। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होके, वो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, जब आप ये लेंगे रेनफोर्स कंक्रीट के लिए हम लेबर कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की क्वांटिटी लेनी है। जब शटरिंग का करेंगे तो शटरिंग की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हमें लेबर फाइंड आउट करनी है। जब आप स्टील के लिए लेबर फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्टील की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली लेबर फाइंड आउट करनी है। तो टोटल में जब आपका अमाउंट भी आ जाएगा तो आपको सम अप करके तो टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है, वो ये आ गया। अब ये तो आ गया, इसमें हमें क्या क्या ऐड करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है 1.5% ऑफ वाटर चार्जेस, यानी कि जो पानी यूज होगा हमारा साइट पे उसका हमारा 1.5% ऐड करना पड़ता ऑफ व्हाट, ऑफ दिस टोटल अमाउंट। तो वो अब बन गया 1.5% ऑफ दिस अमाउंट, वो बन जाएगा 244.00, ठीक है, ये अमाउंट बन गया। और हमें क्या ऐड करना पड़ता है, 10% कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होगा वो भी 10% ऑफ दिस अमाउंट, 10% ऑफ दिस अमाउंट, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दिस अमाउंट, वो बन जाएगा 16,296। अब ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट तीनों को एड अप करके हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया 1,81,703 रुपीज। अब ये तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ आरसीसी स्लैब पर क्यूबिक मीटर। जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करता है तो वो क्या रेट देखता है,
जब भी टेंडर के लिए अप्लाई करता है वो देखता है कि उसको पर क्यूबिक मीटर क्या रेट पड़ रहा है, तो हम रेट निकालेंगे ऑफ आरसीसी स्लैब पर क्यूबिक मीटर। तो वो क्या निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ग्रैंड टोटल जो भी आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्लैब के साथ, ठीक है, ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्लैब। अब वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमारा कितना आया था, वो हमारा आया था 15 मीटर क्यूब, तो हम इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 15 से, वो हमारा आ जाएगा रेट पर क्यूबिक मीटर के होगा, वो आ गया 12,113 पर क्यूबिक मीटर। तो ऐसे हम रेट एनालिसिस करते हैं किसी भी आरसीसी वर्क का। इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे आप पहले मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड आउट करें, देन उसको रेट कॉस्ट फाइंड आउट करें, देन लेबर की क्वांटिटी फाइंड आउट करें, देन उसका कॉस्ट फाइंड आउट करें, देन फिर टोटल करें, देन आप रेट फाइंड आउट करें पर क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंगली। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।